नमस्कार, मैं हूं प्रवीण पंकज और अपने रीजनिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सिलोजिज्म के बारे में सीखेंगे। ये 3 टाइप का क्वेश्चन हमने लिया है, अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज इसके डिस्कशन करते हुए इसे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट, चलिए ये कुछ स्टेटमेंट रहता है, जैसे 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट रहता है, उसके बेसिस पर कंक्लूजन रहता है। तो ये कंक्लूजन के बारे में ये कहता है कि जो डिराइव किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ये, तो इसमें कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा गलत है। जैसे ये कंक्लूजन नंबर 1 है, ये आपका कंक्लूजन नंबर 2 है, उस तरह से इसमें भी ये कंक्लूजन नंबर 1 है, ये कंक्लूजन नंबर 2 है, इस तरह से इसमें भी 1 और ये 2। तो आपके पास कुछ फैक्ट्स दिया हुआ है। सबसे पहले सिलोजिज्म के बारे में ये जानेंगे कि इसमें जो स्टेटमेंट दिया रहता है उसी के अनुसार आपको प्रोसीड करना है, आपको अपने से एज्यूम कुछ भी नहीं करना है। जैसे नो विलेजर इज ए नर्स, ऐसा कुछ है, ये जो ना सेंटेंस अगर देखने में लगता है तो कुछ अजीब लगता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जब भी इसको प्रोसीड कीजिएगा तो एज पर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन में जैसे कहा जा रहा है जो उसी तरह से आपको प्रोसीड करना, आपको अपने से कुछ भी एज्यूम नहीं करना है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है। पहला, जैसे ऑल, कुछ कुछ वर्ड आता है, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स में ऑल, ऑल का मतलब क्या होता है, जैसे एक ये है तो ऑल का मतलब ये हो सकता है, ये अगर ए है, ये बी है, एक पॉसिबिलिटी ये होता है और एक पॉसिबिलिटी होता है आपका ए इक्वल टू बी, मतलब ए का टोटल एलिमेंट बी में है, ये और में मतलब सारा कुछ है, या फिर ये भी कह सकते हैं, या ओवरलैप कर जाता है, ए इक्वल टू बी मतलब ए जो है वो पूरा बी में है और बी पूरा ए में है, तो ये ऑल का कॉन्सेप्ट होता है। उसी तरह से दूसरा कीवर्ड आता है सम, सम का मतलब होता है कुछ पार्ट, जैसे ए, ये ए है तो ए का कुछ पार्ट बी है, तो ये बी हो गया। ये जो एरिया है, जो एरिया ये कवर कर रहा है, ये एरिया वेरी कर सकता है, ये जो एरिया है ये क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है, यहां तक आ सकता है। जैसे सपोज कीजिए एक ये पॉसिबिलिटी हो गया, या फिर इसको ए हो गया है, ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ये बी हो गया और ये ए हो गया, तो इसमें एरिया क्या हुआ, ज्यादा कवर हुआ है। ये हुआ सम का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद होता है नो, नो मतलब होता है कि बिल्कुल अलग, जैसे नो, नो मतलब हुआ है ये ए यहां है तो बी यहां है, इसके बीच में क्या है, नो रिलेशन। ये हो गया आपका नो रिलेशन। एक लास्ट आता है पॉसिबिलिटी, आपका क्या होता है, एक आता है वर्ड पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में क्या होता है, अगर एक चांस भी, अगर एक चांस भी उसको फुलफिल करता है तो ये वैलिड है, द स्टेटमेंट विल बी वैलिड इफ वन पॉसिबिलिटी इज देयर। एक भी अगर पॉसिबिलिटी है, एक भी, तो क्या होगा, वो वैलिड होगा। ऑल के केस में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। सब के केस में ये क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो उसके बाद हम लोग आगे सीखेंगे। तो आपका जो कीवर्ड है, सब का ऐसा है, ऑल का ऐसा है, सम का, नो का और पॉसिबिलिटी का, तो इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन को सोल्व करने का कुछ नियम है, वो नियम को मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले जो है इसका रूल है ओनली वन रूल, सिर्फ एक रूल,
और ये मैं रूल जो बता रहा हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस का रूल है कि इससे कभी भी आपका किसी भी प्रकार का सिमुलेशन का क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। पहला, ऑलवेज ट्राई टू कॉन्ट्रडिक्ट, बाय एज्यूमिंग डिफरेंट सिचुएशंस। आपको क्या करना है, रूल क्या है, इसमें रूल सिर्फ एक ही है कि जो भी दिया हुआ आपको उसको क्या करना, कॉन्ट्रडिक्ट करना है। और कॉन्ट्रडिक्ट के लिए जो है आपको स्टेटमेंट जो है उसको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में रख के एनालाइज करना है। मैं फिर से बात एक बार बोल रहा हूँ कि आपको अपने से एज्यूम नहीं करना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में एज्यूम करना है। तो चलिए ये रूल हो गया, तो इसको मैं थोड़ा सा रख करता हूँ, मिटा देता हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने के साथ ही जो है ना आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ऑल इंजीनियर्स आर विलेजर्स। ये इंजीनियर्स के लिए ई लिख दिया, ऑल इंजीनियर्स आर विलेजर्स, तो क्या हो गया, ऑल इंजीनियर्स आर विलेजर्स हो गया। नो विलेजर इज ए नर्स, नो विलेजर इज ए नर्स, तो ये कहाँ आएगा, नर्स यहाँ आ जाएगा, नर्स यहाँ आ गया, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है, कोई रिलेशन नहीं है। ऑल नर्सेज आर मैनेजर्स, ऑल नर्सेज आर मैनेजर्स, ऑल नर्सेज, तो एक ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है पहला सिचुएशन, सिचुएशन फर्स्ट, सिचुएशन सेकंड, फिर से देखते हैं, ऑल इंजीनियर्स आर विलेजर्स, ऑल इंजीनियर्स आर विलेजर्स कुछ इस तरह से है, उसके बाद नो विलेजर्स इज ए नर्स, नो विलेजर इज ए नर्स, नर्स फिर से यहां, इस दोनों में क्या है, कोई कोई रिलेशन नहीं है, इसकी कोई यहां पर क्या है, कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन। फिर उसके बाद क्या है आपका, ऑल नर्सेज आर मैनेजर्स, ऑल नर्सेज आर मैनेजर्स, तो एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है, ऑल नर्सेज आर मैनेजर्स, एक सिचुएशन ये है। तो देखिए यहां पर जो है कि दो सिचुएशन हमने अरेंज किया है, ये आपका सिचुएशन फर्स्ट है, सिचुएशन फर्स्ट, और ये आपका सिचुएशन सेकंड। तो मैंने क्या कहा था, मैंने बोला था आपको, मैंने अभी बताया ना कि आपको जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके बेसिस पर कुछ सिचुएशंस को ड्रा करना पड़ेगा और आपका जो है उसको कॉन्ट्रडिक्ट करना होगा। कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को एज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए पहला जो सिचुएशन था, ऑल का जो कॉन्सेप्ट है ये है, ये भी है और ऐसा भी हो सकता है। तो आप बताइए कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, नो इंजीनियर इज ए मैनेजर, नो इंजीनियर इज ए मैनेजर, ये क्या है, ये यहाँ मैनेजर है, नो इंजीनियर इज ए मैनेजर। देखिए यहाँ पर क्या है, इंजीनियर जो है इसका एरिया जो है ऑलरेडी एम के विद इन है, एम के अंदर है, इसलिए ये क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि देखिए नो इंजीनियर इज ए मैनेजर, यहाँ पर तो इंजीनियर तो मैनेजर है, क्योंकि देखिए मैनेजर का जो एरिया है उसके अंदर ही ना सर्कल है ई का, तो ये क्या है, ये गलत है। हाँ, लेकिन अगर इस सिचुएशन पर देखेंगे तो क्या होता है, नो इंजीनियर इज ए मैनेजर, सही है। तो ऐसा सिचुएशन अरेंज करना जिसमें कॉन्ट्रडिक्ट, वन कॉन्ट्रडिक्शन मींस कंक्लूजन इज रॉन्ग, नोट।
वन कॉन्ट्रडिक्शन मीन्स द कंक्लूजन इज रॉन्ग। अब देखिए इसमें रॉन्ग हो रहा है, इसमें राइट हो रहा है, तो हमारा फाइनल डिसीजन क्या रहेगा? चूंकि ये कॉन्ट्रडिक्ट कर गया इसलिए हमारा पहला कंक्लूजन क्या है? रॉन्ग है। सेकेंड कंक्लूजन पे चलते हैं। ऑल विलेजर्स बीइंग मैनेजर्स इज ए पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के केस में क्या होता है? वन सपोर्ट मींस वैलिड कंक्लूजन। इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी वन सपोर्ट या फिर इसको लिख सकते हैं फेवर मींस द कंक्लूजन इज राइट। क्या है? इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी वन सपोर्ट या फेवर मींस द कंक्लूजन इज राइट। अदर्स में क्या है? वन कॉन्ट्रडिक्शन मीन्स कंक्लूजन इज रॉन्ग। तो ये तो मैंने देख लिया। अब देखिए यहां पर क्या वर्ड है? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? एक भी यदि कोई सपोर्ट में आता है, एक भी फेवर स्टेटमेंट है तो ये कंक्लूजन सही हो जाएगा। अब आप देखिए क्या है? ऑल विलेजर्स बींग मैनेजर्स, ऑल विलेजर्स बींग मैनेजर्स, ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। क्योंकि देखिए एम का जो सर्कल है उसके विद इन ही तो है भी का सर्कल, यानी कि एम का जो एरिया है ये उसके अंदर भी का एरिया है, तो ये क्या है? ये सही है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से हुआ। इसमें सिर्फ क्या होगा? सेकंड सही है, फर्स्ट रॉन्ग है। अब चलते हैं उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में भी देखिए कुछ वैसा ही आप लोग को एज्यूम करना है। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। सम पेंट्स आर सोज, सम पेंट आर सोज, सम का कॉन्सेप्ट कैसा है? ऐसा आर सोज। चलिए ठीक है, देखिए कुछ पेंट जो है सूज में है, कौन सा एरिया है? ये कुछ पेंट सूज का ही है। सम सूज आर स्लीपर्स, सम सूज आर स्लीपर्स, स्लीपर्स इसमें कौन सा एरिया है? ये देखिए सम सूज आर स्लीपर्स सही है। ऑल स्लीपर्स आर शर्ट्स, All slippers are shirts, ये हो जाएगा आपका। All slippers are shirts, ये आपका है सिचुएशन वन। सिचुएशन टू पर लेते हैं। Some pants are soiled, ठीक है। Some pants are सूज हो गया, चलिए अच्छी बात है। सम सूज आर स्लीपर्स, सम सूज आर स्लीपर्स, ऑल स्लीपर्स आर शर्ट्स, ऑल स्लीपर्स आर शर्ट्स, स्लीपर्स आर शर्ट्स मतलब कि शर्ट्स इसलिए कर सकते हैं। शर्ट्स इक्वल टू स्लीपर्स, यही आ गया, ओवरलैप कर गया। तो हमारे पास एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन ये है। अब सिचुएशन को कैसे ड्रॉ करते हैं इसको जानना है। मैंने क्या कहा है कि आपको कॉन्ट्रडिक्ट करना है, हमेशा कहें ना कॉन्ट्रडिक्ट करना है। और दूसरी बात ये देखनी है कि कंक्लूजन में कहीं पॉसिबिलिटी वर्ड है क्या, कहीं पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए सपोर्ट के जगह पर हम लोग क्या करेंगे उसको सिर्फ कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए ही प्रयास करेंगे। तो
तो हमारा कुछ इस तरह से हो गया। अब देखते हैं सिचुएशन पर कंक्लूजन। एट लीस्ट सम शर्ट्स आर पेंट्स, एट लीस्ट सम शर्ट्स आर पेंट्स, ठीक है। देखिए सम शर्ट्स आर पेंट्स है, नहीं है इसमें। देखिए सम शर्ट्स आर पेंट्स है, यस ये एरिया देखिए है, ये एरिया है कि नहीं है। सम शर्ट्स आर पेंट्स है, चलिए ठीक है। दूसरा नो शर्ट इज ए पेंट, नो शर्ट इज ए पेंट, ये हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है। नो शर्ट इज ए पेंट, ये हो सकता है। दूसरी बात, ये कंक्लूजन मुझे दिया गया है, इसमें क्या है देखिए, दोनों में क्या है, शर्ट पेंट, शर्ट पेंट, मतलब कि दो सिचुएशन अरेंज करने के लिए मुझे कंक्लूजन बोल रहा है। कंक्लूजन से क्या पता चलता है कि आपको दो सिचुएशन दिया गया है और उसके आधार पर आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। यदि इस सिचुएशन में लेते हैं तो ये गलत है, ये सही है, नो शर्ट इज ए पेंट, नो शर्ट इज ए पेंट। लेकिन ये सिचुएशन लेते हैं तो क्या है, एट लीस्ट सम शर्ट्स आर पेंट्स, ये सही है, नो शर्ट इज ए पेंट, ये गलत है कि नहीं। तो फर्स्ट सिचुएशन में रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट फर्स्ट सिचुएशन में एट लीस्ट सम शर्ट्स आर पेंट्स, पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सही है। सिचुएशन दो में क्या है, एट लीस्ट सम शर्ट्स आर पेंट्स, सम शर्ट्स आर पेंट्स, इसका रिजल्ट क्या हुआ, फर्स्ट सही है, सेकेंड नो शर्ट इज ए पेंट, नो शर्ट इज ए पेंट, ये गलत है क्योंकि यहां तो है, ये क्या हो, गलत है। तो देखिए दो सिचुएशन और दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन, तो इसका क्या होगा, चाहे तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा, यानी कि चाहे तो कंक्लूजन वन सही होगा या फिर कंक्लूजन टू सही होगा। तो इसका आंसर जो होगा आपका इधर कंक्लूजन फर्स्ट और टू, मतलब कि कंक्लूजन फर्स्ट और टू में से कोई एक ही वैलिड है, बाकी वैलिड नहीं है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं दो सिचुएशन ही ड्रॉ कर रहा हूं, एक जो है कि जैसे कंक्लूजन दिया गया उसके अनुसार ड्रॉ करता हूं और दूसरा उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए खुद से एज्यूम करता हूं। लेकिन हाँ एज्यूम कर रहा हूं तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या, स्टेटमेंट्स, अपने से एज्यूम नहीं करना है, स्टेटमेंट का जो है उसके आधार पर एज्यूम करना है। जैसे ये हमने ये क्वेश्चन किया तो इसका आंसर हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए ये भी कुछ ऐसा ही है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सम कॉज आर कैमल, सम कॉज आर कैमल, कैमल्स, चलिए ठीक है। ऑल कैमल्स आर बुफेलोज, ऑल कैमल्स आर बुफेलोज, बराबर हो जाएगा, सेम कैमल और बुफेलो एक ही जगह ओवरलैप कर गया। थर्ड नो बुफेलो इज ए फॉक्स, नो बुफेलो इज ए फॉक्स, एक फॉक्स यहां लिख सकते हैं, ये बुफेलो और फॉक्स में क्या है, नो रिलेशन। ये आपका सिचुएशन वन। अब सिचुएशन टू देखते हैं। सिचुएशन वन हमने कैसे किया, जैसे कहा गया है स्टेटमेंट बेस्ड वैसा ही मैंने ड्रॉ किया। अब सिचुएशन टू उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए स्टेटमेंट के डायरेक्शन में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए सिचुएशन टू देखिए, सम कॉज आर कैमल, ठीक है, सम कॉज आर कैमल, चलिए एक कैमल हो गया। फिर उसके बाद क्या है, ऑल कैमल्स आर बुफेलोज, ऑल कैमल्स आर बुफेलोज, ठीक है, तो ये सिचुएशन हो सकता है, ऑल कैमल्स आर बुफेलोज। चलिए थर्ड नो बुफेलो इज ए फॉक्स, ठीक है, फॉक्स को यहां ले आता हूं,
देखिए बुफेलो और फॉक्स के बीच में क्या है, नो रिलेशन। यहां भी क्या था, नो रिलेशन। दो सिचुएशन हो गए हमारे पास, दो सिचुएशन हो गया। चलिए अब कंक्लूजन पर चलते हैं। क्या है, सम कैमल्स आर फॉक्सेल, सम कैमल्स आर फॉक्सेल, ये संभव है? नहीं। फर्स्ट में संभव नहीं, कंक्लूजन फर्स्ट गलत है, क्योंकि देखिए दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। सेकंड, नो बुफेलो इज ए कॉ, नो बुफेलो इज ए कॉ, ये भी गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ एरिया आ रहा है, इसलिए सेकेंड कंक्लूजन भी गलत है। थर्ड, फर्स्ट कर दीजिए इसको, सेकंड इसको, थर्ड, नो कॉ इज ए फॉक्स, नो कॉ इज ए फॉक्स, ये क्या है, ये सही हो ही सकता है, नहीं हो सकता है। नो कॉ इज ए फॉक्स क्या है, इसके अनुसार देखते हैं तो क्या है, ये सही है। लेकिन अब सिचुएशन टू मेडियम करते हैं, क्या है, सम कैमल्स आर फॉक्सेज, सम कैमल्स आर फॉक्सेज, सब कैमल्स आर फॉक्सेज, ये सिचुएशन गलत है, क्योंकि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। सेकंड, नो बुफेलो इज ए कॉ, नो बुफेलो इज ए कॉ, ये तो गलत है। देखिए ये एरिया जो है ये आ रहा है, देखिए ये क्या है, कॉ और बुफेलो के बीच में कॉमन एरिया है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। चलिए थर्ड, नो कॉ इज ए फॉक्स, ये भी गलत है, क्योंकि देखिए कॉ और फॉक्स के बीच में कुछ एरिया आ रहा है, तो ये थर्ड में क्या है, थर्ड भी गलत है। और मैंने क्या बताया है, क्या लिखा है रूल, हमारा रूल क्या कहता है, वन कॉन्ट्रेडिक्शन मीन्स द कंक्लूजन इज रॉन्ग। देखिए इसमें थर्ड सही आ रहा है, इसमें थर्ड रॉन्ग हो गया, तो फाइनली कौन सा होगा, ये थर्ड। तो हमारा सिचुएशन टू जो है ये वैलिड है, मतलब कि इसका क्या होगा, कंक्लूजन वन टू एंड थ्री आर रॉन्ग, क्या है, तीनों रॉन्ग है। तो देखिए इस तरह से साइलोलॉजी में जो है कि बनता है। अब यहां पर जो है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो ट्रिक मैंने दिया है, इस ट्रिक के द्वारा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये ट्रिक है। वन कॉन्ट्रेडिक्शन मीन्स होल कंक्लूजन इज रॉन्ग, पॉसिबिलिटी वन सपोर्ट मीन्स कंक्लूजन इज वैलिड, सिर्फ यही है। और आपको सिर्फ क्या करना है, खुद से एज्यूम करना डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को, और उसके आधार पर क्या करना, प्रोसीड करना है। तो सिलेबस का हमने अच्छा अच्छा क्वेश्चन किया है, तीन क्वेश्चन किया, और तीनों को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के द्वारा एनालाइज किया। तो सिलेबस का टॉपिक जो है कि यहीं पर फिनिश करते हैं, और अब मैक्सिमम चीज हमने रीजनिंग में कवर कर दिया, और जो बाकी बेसिक है वो लगभग सब लोग जानते ही हैं, जैसे नंबर्स भी हो गया, अल्फाबेट्स के बारे में हो गया, तो सारे लोग बना लेते हैं। तो अब क्या करने जा रहा हूँ हम लोग, कि इसमें क्या करेंगे ना, रीजनिंग, क्योंकि अभी एग्जाम भी आ रहा है, तो रैपिड फायर क्वेश्चन करेंगे। मतलब यहाँ पर आपके पास जो है कि दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपका रिवीजन होगा, उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा, फिर आप भी अपने से सॉल्व कीजिएगा। इससे क्या होगा, बहुत ही बेहतरीन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो डेली हम लोग एक दो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन करेंगे, और रैंडम करेंगे, क्योंकि रीजनिंग का सारा कॉन्सेप्ट जो है लगभग में ख़त्म हो चुका है। जो आजकल ट्रेंड में पूछा जाता है सारा कुछ हमने कवर कर दिया, सीटिंग अरेंजमेंट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सीटिंग अरेंजमेंट कवर हो गया, फिर उसके बाद जो है आपका ब्लड रिलेशन खत्म हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ब्लड रिलेशन, यहाँ पे ब्लड रिलेशन कोडिंग फॉर्म भी हम लोगों ने देखा, फिर कोडिंग डिकोडिंग भी हमने खत्म किया, फिर उसके बाद जो कि आज सेलरिंग खत्म हुआ, और उसके पहले जो है आपका डिरेक्शन सेंस टेस्ट का भी अच्छा अच्छा सीरीज हमने किया। तो सारा कॉन्सेप्ट लगभग में खत्म हो चुका है, और सारा कुछ मैं कवर कर दिया है। किसी को डाउट होता है तो प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो को आप देखिए, हाँ प्रीवियस वीडियो जो है उसको क्वेश्चन को आप पहले लिखिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ डाउट होता है वहाँ पर आप मेरे वीडियो को पॉज करके उसको देख सकते हैं, और उसके बाद भी अगर कहीं डाउट होता है तो आपके लिए
ओपन फॉरम है कमेंट बॉक्स, उसमें आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसमें सजेशन दूंगा, सॉल्यूशन दूंगा और बेहतरीन ट्रिक्स दूंगा। जैसे आज मैंने ट्रिक्स दिया, अच्छा अच्छा हमने क्वेश्चन किया सर्कल का, सीटिंग अरेंजमेंट का, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो अब क्या होगा कि चूँकि एग्जाम्स आने वाले हैं, इसलिए हम लोग रैंडम क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सॉल्यूशन डायरेक्टली करेंगे। इसलिए आप लोग भी तैयार हो जाइए प्रैक्टिस करने के लिए, हम लोग को बहुत से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और बेहतरीन बेहतरीन मेथड देने के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। तब तक के लिए अब धन्यवाद। हाँ, एक चीज़, आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, तो जो दूसरे के पास वीडियो जाएगा वो भी कुछ सीखेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे, उन्हें भी मौका मिलेगा और उनमें भी कॉन्फिडेंस जगेगा। इसलिए अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में इस पर डिस्कशन किया कीजिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, और फिर मेरे वीडियो से कंपेयर कीजिए और आगे बढ़िए। और प्रैक्टिस तो आपको करना ही करना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से 3 क्वेश्चन मैंने करा दिया है, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए और उसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में लिखिए।